यहाँ यह समानुपात का चिन्ह है और राशियाँ ए बी सी और डी समानुपात के पद हैं। प्रथम पद ए और चौथा पद डी है। इन दोनों पदों को चरम पद एक्सट्रीम टर्म्स कहते हैं। इसी तरह दूसरा पद बी और तीसरा पद सी को मध्य पद मीन टर्म्स कहते हैं। अतः यदि ए बी सी डी समानुपातिक हैं तो ए बटे बी बराबर सी बटे डी या ए गुणित डी बराबर बी गुणित सी, यानी किसी समानुपात के मध्य पदों का गुणनफल उसके चरम पदों के गुणनफल के बराबर होता है। हमें यदि इन चारों राशियों में से कोई तीन राशियां पता हों तो हम यहां लिखे संबंध से चौथी राशि का मान ज्ञात कर सकते हैं। आइए देखें कैसे। उदाहरण 9, 7, 3, 21 की चतुर्थानुपाती राशि पता करें। हल। हमें यहां पहले तीन पद दिए हैं, 7, 3 और 21। ये हमारे पास तीन पद दिए गए हैं। माना कि चौथा चौथा पद x है। तो 7:3 समान अनुपात 21:x होगा। इसे बटे के रूप में हम लिखेंगे, 7/3 बराबर 21/x बराबर, तिर्यक गुणा करेंगे हम यहाँ पे, x ऊपर जाएगा तो 7×x बराबर 3×21 बराबर 7x बराबर 3×21 या x बराबर 3×21/7, 7 × 7, 7×21 या x बराबर 3×9। अतः चौथा पद 9 है। इस तरह से हमने इस प्रश्न में चतुर्थानुपाती राशि ज्ञात की जो x बराबर 9 है। अतः चौथा पद 9 है या इस प्रश्न का हल होगा। उदाहरण 10। संख्याओं 54, 75 और 99 प्रत्येक में से क्या घटाया जाए कि शेषफल समानुपाती हो। हल। माना दी गई संख्याओं में से y घटाया जाए तब 54 ऋण y अनुपात 71 ऋण y समान अनुपात 75 ऋण y समान अनुपात 99 अनुपात 75 ऋण y अनुपात 99 ऋण y या 54 ऋण y बटा 71 ऋण y बराबर 75 ऋण y बटा 99 ऋण y या तिर्यक गुणा जब हम करेंगे तो हमें प्राप्त होगा 54 ऋण y 99
ऋण वाई, इसे हम कोष्टक में ले लिए, बराबर 75 ऋण वाई पहले कोष्टक में और दूसरे कोष्टक में इसको तिर्यक गुणा ऐसा करेंगे तो 71 ऋण वाई दूसरे कोष्टक, बराबर गुणा करने के लिए पहले कोष्टक का पहला पद 54, दूसरे कोष्टक में 99 ऋण वाई, फिर ऋण वाई लेंगे दूसरा पद और फिर से दूसरा कोष्टक सामने गुणा करने के लिए लिखेंगे, बराबर का बराबर, फिर 75 पहले कोष्टक का पहला पद, फिर दूसरा कोष्टक 71 ऋण वाई और फिर ऋण वाई लेंगे और फिर दूसरा कोष्टक 71 ऋण वाई, बराबर गुणा करने पर 54 को 99 से गुणा करेंगे हम तो हमको मिलेगा 5346 ऋण 54 वाई, ऋण वाई को 99 से गुणा करें तो ऋण 99 वाई, ऋण गुणित ऋण धन वाई की घात 2, बराबर 75 को 71 से गुणा करेंगे तो 5325 ऋण 75 वाई, ऋण 71 वाई और ऋण गुणित ऋण धन वाई की घात 2, बराबर यहाँ पे हम 5346 लिखे, ऋण 54 वाई और ऋण 99 वाई को जब हम जोड़ेंगे तो ऋण 153 वाई धन वाई की घात 2 बराबर 5325, ऋण 75 वाई और ऋण 71 वाई को जब हम जोड़ेंगे तो हमको ऋण 146 वाई प्राप्त होगा धन वाई की घात 2 बराबर दोनों पक्षों से y की घात 2 कट जाएगा और अपने पास जो प्राप्त होंगी संख्या वो होंगी ऋण 153 y, पक्षांतर करेंगे धन 146 y बराबर 5325, इसका पक्षांतर करेंगे तो ऋण 5346 बराबर, यहाँ पे इसको अपन हल करेंगे तो ऋण 153 बड़ा है, धन 146 से घटाएंगे तो ऋण 7 वाई बराबर ऋण, ऋण क्योंकि बड़ी संख्या है ऋण 5346 में से 5325 को घटाएंगे तो ऋण 21 प्राप्त होगा, दोनों तरफ से ऋणात्मक चिन्ह को जब हम काट देंगे या ऋण एक से गुणा करने पर हमें 7 वाई बराबर 21 प्राप्त होगा, ऋण एक से दोनों पक्षों में गुणा करेंगे तो दोनों पक्ष जो है धनात्मक हो जाएंगे, इसी तरह से y बराबर हमें मिलेगा 21/7 जो कि हमें प्राप्त होगा y बराबर 3। तो ये इस प्रश्न में जो दी गई संख्या में जो y घटाया गया है, घटाई जाने वाली संख्या y बराबर 3 है, ये इस प्रश्न का हल होगा। सतत अनुपात कंटिन्यूड प्रोपोर्शन, कई ऐसी राशियां जिनमें पहली और दूसरी राशि में वही अनुपात होता है जो दूसरी और तीसरी राशि में, और यह तीसरी और चौथी राशि के अनुपात के भी बराबर होता है, यानी यदि ए बी सी डी ई राशियां इस प्रकार हो कि a बटा b बराबर b बटा c बराबर c बटा d बराबर d बटा e और इसी प्रकार, तो यह राशियां सतत अनुपात कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में हैं। मान लीजिए यदि a अनुपात b अनुपात c में है तो b को ए और सी का क्या कहेंगे हम इसे, मध्यानुपाती, यदि इस प्रकार से है कि ए अनुपात बी अनुपात सी है तो जो बी होगा वो ए और सी का मध्यानुपाती कहलाएगा, यानी हम इसे लिख सकते हैं ए अनुपात बी समानुपात बी अनुपात सी के रूप में, या
ये हो जाएगा a बटा b बराबर b बटा c। इसे हल करने पर हम यदि इसे हल करें तो मिलेगा b का वर्ग बराबर a गुणित c। इसे हल करने पर हमें मिलेगा b का मान, क्योंकि b वर्ग में है तो हल करने पर यह आएगा धन ऋण वर्गमूल a गुणित c। इस प्रकार मध्य राशि का जो मान है वो हम निकाल सकते हैं। इस तरह हम मध्य राशि का मान निकाल सकते हैं।